प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम कंसिडर करेंगे सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। फिर हम रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे फॉर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 lies at point A, Q2 lies at point B. P is a point where we want to find out electric potential, and R vector is the position vector of point P. चलिए find out करते हैं electric potential at P due to charge Q1. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये किसके बराबर है, 1/4πε0 इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज Q1, दैट इज डिस्टेंस AP। AP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम इस ट्राइंगल से यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर R1 एंड वेक्टर AP, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सो थर्ड साइड OP, दैट इज R वेक्टर, विल बी द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड AP वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। यहां से AP कितना आ जाएगा, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहां लगा देंगे AP की वैल्यू। तो V1 कितना हो गया, 1/4πε0 इंटू Q1 ओवर R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यहाँ मॉडुलस लगा लेंगे। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2। इसको हम V2 कह देते हैं। यहाँ आ जाएगा Q2 और डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम P VP। फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ BP फ्रॉम ट्राइंगल OBP। यहां से R2 वेक्टर प्लस BP वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R वेक्टर। तो यहां से आ जाएगा BP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो V2 कितना आ जाएगा, VP की जगह R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि स्केलर है, ये डिस्टेंस है VP, इसलिए इसको मॉडुलस लगा लेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस, कौन कौन से, Q1 एंड Q2। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर्स की तरह ऐड हो जाएगा। इसको मान लीजिए हम V कह देते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V की जगह हम इसको VR वेक्टर कह देते हैं। दिस शोज दैट द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट P इज R वैक्टर, दैट वी आर फाइंडिंग आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोकेशन R वैक्टर। फाइंड आउट कर लेंगे V वैक्टर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो ये V1 प्लस V2 कितना है, 1/4πε0 Q2 ओवर R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इतना आ जाएगा।
1/4 pi epsilon naught को बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। Now, if the system consists of n charges, say Q1, Q2, Q3, and so on Qn, at locations R1 vector, R2 vector, R3 vector, and so on Rn vector, means R1 vector is the position vector of Q1, R2 vector is the position vector of charge Q2, R3 vector is the position vector of charge Q3, and so on Rn vector is the position vector of charge Q1. उस केस में कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल n चार्जेस? हम लिखेंगे Vr इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऑन Vn. V3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q3. तो ये आ जाएगा यहाँ पर और क्या आ जाएगा, प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R माइनस R3 प्लस ऑन Qn डिवाइडेड बाय, तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल n चार्जेस। इसको समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। वी आर कितना आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught समेशन Q1, Q2, Q3, इसको हम Qi लिख लेंगे, I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, डिवाइडेड बाय R वेक्टर, सारी जगह आ रहा है R वेक्टर माइनस R1, R2, R3 एंड सो ऑन, यहाँ R I लिख लेंगे, I वेरिंग फ्रॉम 1 to n. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई होप यू हैव फॉलोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।